हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एमएम मंडोदिया सीकर सीएलसी से, और मेरे साथ हैं डीएल चौधरी सर। और आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजी, गुरुनीति, जो कि सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट है। पहले बहुत सारे टॉपिक्स की गुरुनीति आपने यूट्यूब चैनल पर देखी है। गुरुनीति में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले एपिसोड में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से क्वेश्चंस लिए हैं, और इन क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस के साथ हम आपसे बात करेंगे, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, और उस ऑप्शन के आसपास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। हर संभव हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये गुरुनीति का जो एपिसोड है वो आपको कुछ नया दे, आपको अच्छा सीखने को मिले, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने को मिले, और मैं भी डीएल सर के साथ कुछ सीख सकूं। सर बिल्कुल बेटा, कि आपको जो इनसाइड सीक्वेंस में चार चैप्टर आपकी इकोलॉजी के हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, देन इकोसिस्टम, फिर बायोडायवर्सिटी और फिर एनवायरमेंटल इशू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में जो बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके बाद अपन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, और फिर पॉपुलेशन जो भी इंटरेक्शंस की स्टडी अपन करेंगे, उसके इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें अपने पूरे डिस्कस करेंगे। तो सर शुरू करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल स्टडीज एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब सर हमें एक्सप्लेन ये करना है कि ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्यों है ऑर्गेनिज्म के लेवल पर। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हम बेसिक यूनिट की जब बात करते हैं, बायोलॉजी जब भी हम शुरू करते हैं तो बेसिक यूनिट हम कहते हैं सेल, लिविंग वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इकोलॉजी का जो बेसिक यूनिट होता है वो ऑलवेज होता है ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर अगर हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये आवश्यक रूप से या एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्यों है, इसको समझने की बात है। इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितने सारे फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर से इंटरेक्ट करते हुए ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेटर एस्टेब्लिशमेंट में लाना चाहती है। ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को अनुकूलित करते हुए अपना जीवन यापन और अधिक सुदृढ़ करना चाहती है। तो आप इसको फिटेस्ट टू सर्वाइवल जैसा कहते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता भी आप कह सकते हैं। ये जो फैक्टर्स है बेसिकली, आप जानते हैं, टेम्परेचर हुआ, लाइट हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ, सॉइल हुआ, ये सब फैक्टर्स होते हैं। इनके अलावा कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स जो इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में हैं, वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स के साथ एडजस्ट करते हुए ये ऑर्गेनिज्म अपने फिजियोलॉजिकल लेवल पर रेस्पॉन्ड करेगी, इसलिए इसको बेसिकली सर क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। सर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहेगा, सर ने कहा कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों उसको इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। तो जो सेल के इनसाइड जो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो एंजाइमेटिक काइनेटिक्स है, वो सारी एक्टिविटीज सराउंडिंग एनवायरमेंट से इफेक्ट होगी, वही आपका क्या है फिजियोलॉजिकल। बहुत बेसिक चीज जैसा सर ने बताया, एक मैं निकाल के सीधा बोल दूं, मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर लो आप, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा हमेशा आपको क्लियर रहेगा कि मॉलिक्यूलर लेवल की हम बात करते हैं तो सेल में इंट्रा मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फॉर्म्स है, तो ऑब्वियस है अगर इस लेवल पे डिस्कस किया जाएगा तो वो डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल होगा। जहां तक तीन ऑप्शन है सर, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उधर आकारिकी है, मॉर्फोलॉजिकल। देखिए मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, पूरी इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म के लेवल पर मॉर्फोलॉजिकल नहीं हो सकती। इसी तरीके से कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकते हैं, जैसे डेजर्ट लिजर्ड का बास्क इन सन हमें एक एग्जांपल दे रखा है, वो बिहेवियर है। हम भी गर्मी में छाया में चले जाते हैं, सर्दी के दिनों में हम भी धूप सेकते हैं, तो वो हमारा बिहेवियरल प्रोसेस है। तो बिहेवियर कुछ केसेज में हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के लेवल पर फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो है वही इकोलॉजी को एक्सप्लेन करेगा। ऐसे ही एनाटॉमिकल भी कुछ केसेज में हो सकता है, सारे केसेज में नहीं। तो सर आंसर फाइनल किया जाए, फोर्थ आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। नेक्स्ट है सर, An organism is trying to maintain its internal environment at a constant. एक जीव जो है वो अपना आंतरिक वातावरण, आंतरिक पर्यावरण एक कांस्टेंट या नियत पर मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, और साथ में लिखा है only through physiological regulation. तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सिर्फ वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के साथ ऐसा करना चाह रहा है। इट विल कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाएगा? तो सर पहला ऑप्शन है होम्योस्टेसिस इन इट्स एनवायरमेंट। देखिए होम्योस्टेसिस प्रोसेस है, जीव होम्योस्टेसिस नहीं होगा, होम्योस्टेसिस अपने आप में बच्चों प्रोसेस या प्रक्रिया है। अगला ऑप्शन है नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस रेगुलेटर। रेगुलेटर तो यही है कि भी होम्योस्टेसिस के थ्रू जो ह्यूमन है या ओनली 1% एनिमल्स है, उन्होंने अपना इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल टेम्परेचर और अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको बिल्कुल कंसंट्रेट या रेगुलेशन में ले लिया, और वो इसको शो करता है होम्योस्टेटिक रेगुलेटर। ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाए,
ऑर्गेनिज्म को होमियोस्टेसिस नहीं कहा जाएगा, होमियोस्टेटिक कहा जाएगा, सिर्फ इतनी सी माइन्यूट बात है जिस पे आप फोकस रखें। पार्शियल रेगुलेटर हम नहीं कहेंगे क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि वो कांस्टेंट पे मेंटेन कर रहा है, और कंफर्मर रेयरली बट पार्शियल रेगुलेटर ऑलवेज। तो ये देखिए दोनों कंडीशंस जो हैं वो दोनों ही इस स्टेटमेंट को गलत कर रही हैं, तो यहां सर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू आर मूविंग विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड of your mind in your habitat, which one may conclude for diverse biosphere? वो कह रहा है कि अगर आप scientific frame of mind के साथ अपनी habitat में, अपने आसपास के areas में move कर रहे हैं, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप move कर रहे हैं, तो कौन सा एक जो है वो diverse जो biosphere है उसके लिए conclusively कहा जा सकता है? तो ये कह रहा है पहला, only producers can survive alone। देखिए एक बात हमेशा हम बच्चों से पहले ही कह दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके का सर्वाइवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो एक सीधी लाइन आप याद रखें, नो वन कैन सर्वाइव अलोन। कोई भी प्रकृति में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, प्लांट भी नहीं कर सकता। तो सर ये प्रोड्यूसर्स यहाँ लिखा है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं एग्जैक्टली, ये प्रोड्यूसर्स भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, और मिनरल्स इनको प्रोवाइड करवाएंगे ऑलवेज डीकंपोजर्स जो बैक्टीरिया है, इसलिए बिना बैक्टीरिया के प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते जो पूरी बायोस्फीयर को रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सर बायोलिंपियाड के अंदर क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम, यहाँ से मैं थोड़ा आगे इसका हायरार्की में आगे बढ़ेंगे, तो जो इकोसिस्टम है ना विदाउट प्रोड्यूसर और डीकंपोजर रन नहीं कर सकता, यानी इकोसिस्टम के लिए दो कंपोनेंट होने एसेंशियल है, प्रोड्यूसर और डीकंपोजर। वाटर की ड्रॉप को भी अपन कंसिडर कर सकते हैं इकोसिस्टम, तो उसमें भी फाइटोप्लैंक्टन देन बैक्टीरिया डीकंपोजर। जैसे हम डेट्राइटस फूड चेन पढ़ते हैं सर, इकोसिस्टम में डीएफसी जहां आ जाती है, तो आप ये कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हुई, तो दो पंप पहले ही आ गए उसमें। डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हुई तो डेफिनेटली डीकंपोजर आया, और उस डीकंपोजर ने जो मिनरल रिलीज किया उसको प्रोड्यूसर या प्लांट ने रिसीव किया, तो अल्टीमेटली दो कंपोनेंट डेफिनेटली आए। तो पहला स्टेटमेंट सर गलत हुआ। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, एंड होना चाहिए एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक बात है कि कोई भी जो है वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। वी कैन एस्टैब्लिश एन एब्सोल्यूट मेजर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायवर्सिटी, हम सूक्ष्म जीवीय विविधता के लिए एक निरपेक्ष मापन स्थापित कर सकते हैं। देखिए बायोडायवर्सिटी के डेटा में सूक्ष्म जीवों को इंक्लूड इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे टैक्सोनॉमिक मेथड्स कन्वीनियंट नहीं है, उनकी मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई है, तो ये सूक्ष्म जीवीय विविधता के लिए एक एब्सोल्यूट मेजर स्थापित करना मुश्किल है। नहीं ले सकते कि रिलेटिव लेना होगा, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस में डेड होंगे तो उनको जो मटेरियल और डेट्रिटस होता मिलेगा। और ये बात है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है उसके दोनों कंपोनेंट है, उसके बायोटिक भी हैं, प्रेडेटर है, पैथोजन है, कॉम्पिटिटर है, और जो उसके एबायोटिक भी है, दोनों उसको इन्फ्लुएंस डालते हैं, दोनों उसको इफेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी में शुरू में एक लाइन लिखी है सर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, द हैबिटेट डू नॉट ओनली कैरेक्टराइज्ड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स, उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी जो है वो हैबिटेट को कैरेक्टराइज करने में रोल प्ले करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आंसर फोर्थ पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम आर नॉट द बेसिस, डेफिनेटली वो बेसिस है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर सर सेकंड आंसर आपका हो जाएगा, सेकंड आंसर सेकंड। आप सिर्फ नंबर लिख दो एक राउंड करके उससे, ठीक है सर। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4, इकोलॉजिकल निकेज। ये देखिए एग्जाम में भी पूछा गया और ये अपने आप में स्पेसिफिक है, ये फंक्शनल इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली बात है कि इकोलॉजिकल निकेज या पारिस्थितिकीय निकेत किसको कहा जाता है। तो देखो एक सीधा रेफरेंस है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कहीं भी सर्वाइव कर रहा है तो अपनी हैबिटेट में उसके लिए जो बेस्ट सुटेड कंडीशन होती है जबकि वो फंक्शनल हो वो उसका इकोलॉजिकल निके कहा जाता है। भाई हैबिटेट दो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट सेम हो सकता है बट उनका निके क्या होगा डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर बर्ड स्पीसीज फर्स्ट है और बर्ड स्पीसीज सीड को फीड कर रहा है तो वो हर्बीवोरस हो गया, और बर्ड स्पीसीज सेकंड है वो इंसेक्ट को फीड कर रहा है तो वो कार्निवोरस हो गया। ये T2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये T3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इन दोनों का हैबिटेट सेम हो सकता है बट इकोलॉजिकल निके जो प्रोपेशन है किस टाइप के रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वो दोनों का डिफरेंट हो गया। तो एक सेम हैबिटेट में दो ऑर्गेनिज्म का निके अलग अलग हो सकता है, निके जनरली बेस्ट सुटेड फंक्शनल एग्जिस्टेंस, बेस्ट सुटेड जैसा सर कह रहे हैं बेस्ट सुटेड फंक्शनल एग्जिस्टेंस एक नहीं हो सकता। तो सर ऑप्शंस पढ़ें, ये कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली दो जीवों के मध्य का संबंध ही नहीं हो सकता, उसको इंटरेक्शन कहते हैं। आप निके की जहां बात की जाए आप इंडिविजुअल को ही डिस्कस करें, बहुत क्लियर है, आप यहां इंडिविजुअल जो है उसी को डिस्कस करें। फिर कह रहा है ग्रुप ऑफ ऑल प्लांट्स, अब देखिए ग्रुप लिख दिया तो आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बिल्कुल इररिलेवेंट रेफरेंस है। फोर्थ लिखा है द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल, देखिए स्पीसीज
ऑफ ए स्पीसीज विदिन द कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ कई बच्चों को डाउट हो जाता है, अगर इंडिविजुअल है तो भी हम स्पीसीज लिखते हैं टैक्सोनॉमी में, और अगर आप पॉपुलेशन कह रहे हैं तो भी आप स्पीसीज लिख सकते हैं। इसलिए आपके पास करेक्ट आंसर सर फाइनली फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फेनोमेनन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बीइंग बेनिफिटेड विदाउट अफेक्टिंग द अदर, ये पूछ रहा आपसे एक परिघटना है, जो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड है, जैसे मैं एक और भी दो ऑर्गेनिज्म यहां मेंशन कर दूं, तो सर एक को तो कहा गया बेनिफिटेड, वो कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग द अदर, दूसरे को अफेक्ट कर ही नहीं रह रही है, तो दूसरे पे कोई असर इस पे नहीं पड़ रहा है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ तो इस तरीके का रिलेशनशिप कहा जाएगा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया, कॉमेंसलिज्म ही हो गया। इसमें ये जो ऑप्शंस हैं उनको सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्कैवेंजिंग अपमार्जक कंडीशन है कि बेसिकली डीकंपोजर से कोरिलेट करता है, प्रीडेशन जो है उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, प्लस माइनस रिलेशनशिप है प्रीडेटर और प्रे, जैसे टाइगर और डियर का आपका हो गया, तो रियल जो ट्रू प्रीडेशन है टाइगर और ये डियर, तो ये आपका प्रीडेटर हो गया, ये प्रे हो गया, ठीक है, तो वो डेट्रिमेंटल रिलेशनशिप है। कॉमन सेलेज जो है वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में काउंट होता है, डेफिनेटली आंसर यहाँ यही होगा। एक दे रखा आपको सिम्बायोसिस, देखिए सिम्बायोसिस जो है वो भी पॉजिटिव इंटरेक्शन है, दोनों ऑर्गेनिज्म यहाँ बेनिफिटेड होती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है, ये कभी भी म्यूचुअल एसोसिएशन शो नहीं करेंगे, मीन्स ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में ये नहीं आएंगे। एक ही बात है बेसिक डिफर करने की, म्यूचुअलिज्म को और सिम्बायोसिस को अगर हम डिफर करना चाहें तो हमारे पास एक ही बेसिस है, सिम्बायोसिस जो है दैट इज नॉट obligate, while the mutualism is the obligatory. वहाँ physical contact essential है? हाँ, must होता है. physical contact सब बिना जुड़े तो मतलब ही नहीं है कि किसी तरीके का भी जो है वो obligate relationship establish किया जा सके. तो final answer हुआ common solution third. next which is or are, देखो यहाँ question के format पे बच्चों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, ध्यान दें is or are लिखा है इसका मतलब है possibility एक से ज़्यादा भी हो सकती है. incorrect में है, पहले लिखा है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ कम्युनिटी, डेफिनेटली वो कह रहा है जैविक तथा अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इकोसिस्टम में हमें दे रखा है, वहां बहुत क्लियरली हमें लिखा है, रॉन्ग हो जाए कि यहां कम्युनिटी दे रखा है, हां कम्युनिटी की कम्युनिटी में तो ओनली बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, ये बायोटिक एबायोटिक दोनों दे दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इंटरेक्शन कह रहा है, फिर कह रहा है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच इकोसिस्टम, ये करेक्ट रेफरेंस है और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोलॉजी, देखिए इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, और लास्ट लिखा इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन बायोटिक फैक्टर हां इंडिविजुअली सरवाइव कर ही नहीं सकता ना, नो वन कैन सरवाइव अलोन, हम बात कर रहे थे तो पॉपुलेशन तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये भी इनकरेक्ट है, ये पॉपुलेशन के कारण इनकरेक्ट है, ये इकोलॉजी के कारण इनकरेक्ट है, और सर जैसा भी मार्क कर रहे थे वो कम्युनिटी के कारण इनकरेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिटी सर ये रहा, ठीक है, इसलिए परफेक्ट आंसर हमारे पास हो गया, स्टेटमेंट बी हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, ओनली बी फर्स्ट आंसर यहां जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है और कम्युनिटी, यहां तक ओनली बायोटिक आते हैं, उसके बाद इकोसिस्टम जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों से आपका बनता है और वहाँ से इंटरेक्शन दोनों की स्टार्ट हो जाती है। जनरली अपन कहते हैं कि किसी हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रहता है उसको दोनों इफेक्ट करते हैं, वो तो इकोसिस्टम ही हो गया, वाटर की ड्रॉप भी क्या है इकोसिस्टम, स्मॉलेस्ट या माइक्रो इकोसिस्टम उसको कह सकते हैं, इवन अभी तो नैनो की भी बात की जाती है। नेक्स्ट है प्रीडेटर्स आर कंसीडर्ड एज द प्रूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंटरेक्शन में दे रखा है, उनका अपना विवेक होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं करते, वो मोस्ट एफिशिएंट नहीं हो सकते, अगर वो ज्यादा दक्ष होंगे तो प्रे को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर गए तो फिर भोजन के अभाव उनके लिए खुद का सर्वाइवल ही उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, डेफिनेटली वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसके रेफरेंस में आपको ये एक्सप्लेन करना है, दे मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, डेफिनेटली ऐसा भी करते हैं वो, ये उसके एक तरीके से करेक्टर लिखे, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया, एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे, डेफिनेटली ये सही बात है कि वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, अति दोहन उसका नहीं करते, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जैसा सर अभी कह रहे थे कि वो प्रूडेंट है, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके तो उनका खुद का सर्वाइवल ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। तो बच्चों यहाँ परफेक्ट आंसर आपके पास हो जाना चाहिए थर्ड, दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे, ठीक है। नेक्स्ट करें सर, in a laboratory experiment two species of the protists paramecium were grown alone and in the presence of the other species, theek hai
आपको बहुत क्लियर कहा गया कि लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दो स्पीसीज हैं और उसमें प्रोटिस्ट की दो स्पीसीज जो पैरामीशियम की हैं वो अलग अलग उगाई गई, अलग अलग ग्रो करवाई गई और उनको एक साथ ग्रो करवाया गया। अब इस प्रयोगशाला परीक्षण में बहुत क्लियर हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट है वो लेफ्ट वाला है और जो सेकेंड स्पीसीज है वो राइट वाला है। जैसे ये पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स फर्स्ट और सेकंड ये हमें दे रखा है, ये अलोन का ग्राफ है और ये विद, जैसे स्पीसीज सेकंड और स्पीसीज फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ग्राफ शोज दैट। देखो बच्चों ऐसा कई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम क्या हमारा रीजनिंग पावर बढ़ता है और एग्जैक्टली सब्जेक्ट की समझ बढ़ती है। तो बहुत छोटी सी बात है इसमें, ये देख के डरे नहीं आप, जनरली बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि कितना क्या पूछा गया है। तो सर मैं पढ़ू ऑप्शन, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अकॉर्ड इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, क्या कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो एक्सक्लूजन हम सर तब तक नहीं कह सकते जब तक इसमें से किसी एक का ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं आ जाता या वो बाहर निकालने का प्रोसेस दिखाई नहीं देता, तो एक्सक्लूजन तो हम नहीं कह सकते। आगे ये कह रहा है बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड बाय इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली दोनों हैं तो कॉम्पिटिशन तो होगा ठीक है इंटर स्पेसिफिक, बट स्पीसीज वन इज लेस अफेक्टेड, स्पीसीज वन इज लेस अफेक्टेड। वो कह रहा है कि क्या स्पीसीज वन जो है वो लेस अफेक्टेड है। तो पहले स्पीसीज वन का ग्राफ क्या था ये देखें आप, स्पीसीज वन का ग्राफ ये था। अब स्पीसीज वन का ग्राफ अगर आप बाद में देखेंगे दोबारा तो उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि पहले ग्राफ की तुलना में दूसरे ग्राफ में उसकी स्थिति क्या है। अगर नीचे आया कुछ कम हुआ तो डेफिनेटली सर वो रिसेसिव पोजीशन में उसको नुकसान हो रहा है। फिर कह रहा है बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड बाय इंटर स्पीसीज कंपटीशन बट स्पीसीज 2 इज लेस अफेक्टेड। एग्जैक्टली देखिए स्पीसीज 2 का ग्राफ ये था, स्पीसीज 2 का ग्राफ ये था और अब वो कह रहा है विद स्पीसीज 2, सॉरी स्पीसीज फर्स्ट ये थी विद स्पीसीज 2 ये कह रहा है। अब उस ग्राफ में आप देखें तो इन दोनों के बीच गैप तो ये है और अब आप ये देखिए कि इस स्पीसीज 2 और स्पीसीज फर्स्ट में से किसका ग्राफ नीचे आया है, यही एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देगा। आंसर थर्ड आपका इसका हो जाएगा। एक लास्ट और पढ़ देते हैं, बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड इक्वली, अगर इक्वली अफेक्ट करती तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं दोनों का स्टेटस सेम होता जबकि ग्राफ में फ्लक्चुएशन वहां दिखाई दे रहा है। तो बहुत क्लियर है पहले की स्थिति के बजाय किसी भी ग्राफ में अगर आप डिक्रीज देख रहे हैं या ग्राफ जो है वो नीचे आया है तो डेफिनेटली वो ज्यादा अफेक्टेड है। फाइनल करें सर, तो आंसर फाइनल आप उधर मेंशन कर दें, क्लियर। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट and having functional interaction, वो कह रहा है individuals का एक association है और एक समान आवास में रह रही भिन्न प्रजाति की वृष्टियों, इसका मतलब दो अलग अलग टाइप के हैं तो A और B इनको मैं लिख देता हूँ, सेम तो नहीं है। और वो कह रहा है का कार्यात्मक अंतर क्रियाओं युक्त समूहन है तो एक से ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो सबसे कम्युनिटी हो गया। हाँ, तो पॉपुलेशन तो हो नहीं सकता भाई, बायोटिक कम्युनिटी हो गया। जैसे कोई भी एक हैबिटेट होता है तो यहाँ पर जैसे ए स्पीसीज मान लो प्लांट हो सकती है प्रोड्यूसर है, बी कोई कंज्यूमर हो सकता है कंज्यूमर वो भी हर्बीवोरस है, या सी कोई कार्निवोरस हो सकता है। बिल्कुल, तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर अगर डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके आपस की इंटरेक्शन को किसको शो करती है, बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय को। तो बहुत क्लियर बायोटिक कम्युनिटी आंसर है। आगे अगर बात करें सर इकोलॉजिकल लिखे दे रखा है, अभी हमने डिस्कस किया था वो फंक्शनल एग्जिस्टेंस है, इकोसिस्टम बायोटिक, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। डेफिनेटली वो इकोसिस्टम हो सकता है लेकिन उससे पहले हम बायोटिक कम्युनिटी क्यों लें, क्योंकि जहां बायोटिक कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आती है वही इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो हम हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बायोटिक कम्युनिटी। भाई यहाँ आपस में बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन हो जाएगी और एबायोटिक सर इंटरेक्शन स्टार्ट होते इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। बट यहाँ बायोटिक कम्युनिटी परफेक्ट आंसर है। हाँ, नहीं बेसिकली हायरार्की जब हम सर लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं ऑर्गेनिज्म हुआ, पॉपुलेशन हुआ, फिर बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी आएगी और इंटरेक्शन होंगे तभी ये स्टेबल हो सकता है, ये उससे पहले स्टेबल नहीं हो सकता। इट इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इसलिए आंसर फाइनल रहा सेकंड। नेक्स्ट, choose the correct option for the relation between species A and species B shown in the graph, और species A और B के बीच relation देखा जा रहा है। तो देखो ये alone कह रहा है, species A की स्थिति ये थी और B की स्थिति ये थी। अब सर अगले ग्राफ में अगर हम देखेंगे दोनों को साथ जब ले जाया गया तो ये जो species B है वो decrease हो गई, decrease दोनों हुई है, decrease तो दोनों हुई है। देखो A का level ये था पहले और B का level ये था, अब B के level पे A आ गया और B उससे भी नीचे चला गया। तो हमें यहाँ देखने की जरूरत है कि ये जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है, कॉमन सेलिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, एमएन सेलिज्म हो सकता है। देखो सर कॉमन सेलिज्म होता तो किसी एक पे ही असर आता, ऐसा सॉरी कोई भी अफेक्ट नहीं होता है कॉमन सेलिज्म का, तो ये हो गई ये अनअफेक्टेड जीरो और ये बेनिफिशियल, ठीक है ये कंडीशन होती। दूसरा सर म्यूचुअलिज्म है तो उसमें दोनों साथ चलते, म्यूचुअलिज्म में दोनों साथ चलते, दोनों साथ चलते किसी पे कोई असर नहीं आता।
तीसरा कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन में दोनों को ही नुकसान होता है, बट आप समझ सकते हैं सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर कंडीशन में हो सकता है। एक दे रखा है MNCLH, जिसका मतलब है कि एक अनअफेक्टेड है और दूसरे को माइनस है, नुकसान हो रहा है। ग्राफ ये हो गया कि इसको तो माइनस हो रहा है, वो जीरो है। हां, तो यहां फाइनलाइज किया जाए आंसर कंपटीशन, क्योंकि देखिए एक की स्थिति जो थी वो भी नीचे आई है और बी जो है वो भी नीचे यहाँ आया है। डेफिनेटली कंपटीशन का अगर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा जो है किसी एक कॉम्पिटिटर की प्रेजेंस में बायोटिक पोटेंशियल का लॉर होना चाहिए, आर वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। इस जो सर जैसा बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट बात बोली है, इस आर पे फोकस रखें आप, क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आर वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होगी तभी कॉम्पिटिशन इकोलॉजिकली माना जाएगा। कंपटीशन ऐसा है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हुए लेकिन ऑलवेज ये कंडीशन करेक्ट नहीं हो सकती, और रिलेटेड ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, अनरिलेटेड में भी हो सकता है, इंटरफेरेंस जो है, बट ये 100 में मॉडर्न डेफिनेशन है कि एक की प्रेजेंस में अगर दूसरी का आर वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो वहां तो डेफिनेटली कंपटीशन। तो फाइनल आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज एन एक्सेप्शन, अपवाद कह रहा है टू इकोलॉजिकल रूल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन ये कहता है कि देखिए जैसे दो स्पीसीज साथ साथ हैं और ये साथ साथ है तो डेफिनेटली एक ग्रो करेगी और दूसरे को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे ये लास्ट में जाके डिक्लाइन में चली जाएगी। ये बेसिक है कॉम्पिटिशन का। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा उसका एक्सेप्शन है। तो देखिए सर पहला एग्जाम्पल दे रखा है एबिंगडन टॉर्टोइज एंड गैलापागोस आइलैंड। तो एबिंगडन टॉर्टोइज जो थे वो गॉड्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी वहां ज्यादा थी उसके कारण एक्सटिंक्ट हुए, डेफिनेटली हुए। फिर कह रहा है बेलेनस एंड द चैथेलमस, ये बार्नेकल की दो स्पीसीज आपको दे रखी है, बार्नेकल बेलेनस एंड बार्नेकल चैथेलमस, और इनमें भी कंपटीशन है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर है, बिल्कुल। तो यहां पर भी है। फिर कह रहा है वार्बलर स्पीसीज ऑन द पाइन ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप सर कॉम्पिटिटिव रिलीज है, क्योंकि वार्बलर की जो स्पीसीज थी उन्होंने अपने कोएग्जिस्टेंस कहेंगे, हां कोएग्जिस्टेंस मतलब, तो वो उन्होंने क्या किया अपना रिसोर्सेज का जो टाइप है बिल्कुल वो चेंज कर लिया, या फिर जो भी फॉरेजिंग पैटर्न फॉरेजिंग हैबिट है, पैटर्न है, फीडिंग हैबिट्स है, इन सबको चेंज करने से क्या हुआ कि वार्बलर की जो पांच स्पीसीज थी वो एक ही पौधे पर एक ही पेड़ पर कोएग्जिस्टेंस। एक सर उधर इवोल्यूशन में भी इनके एग्जांपल दे रखा है बच्चों के, वो जो गैलापागोस आइलैंड पे जो है वो डार्विन फिंचेज वो भी आप ध्यान रखें, हम इकोलॉजी में डिस्कस करते रहते हैं, तो वो भी इसी तरीके का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा बाबूलाल सर बता रहे हैं थर्ड आंसर फाइनल हुआ, ऑल ऑफ अबव नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में कॉम्पिटिशन एग्जिस्टेंस में है, जैसा सर अभी कह रहे थे यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पोजिशन है और सिमिलरली इसमें भी। ठीक है, तो आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 12, थ्री स्पीसीज ए बी एंड सी, तीन स्पीसीज आपको दे रखी है। When grown independently in laboratory shows the typical logistic growth curve. However, when grown in the pairs of the following growth curve observed, तो हमें तीन यहाँ curve दे रखे हैं, एक का B के साथ दे रखा है, एक का C के साथ है और B का C के साथ है। हमें observe करना है कि कौन सी activities यहाँ हो सकती है। तो देखो सर एक में तो बहुत क्लियर मुझे ये दिख रहा है कि जब A ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा तो B जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये यहाँ हाई लेवल का कॉम्पिटिशन हो सकता है। इन दोनों में पैरेलल चल रही है, साथ साथ चल रही है, तो हो सकता है इन्होंने कोएग्जिस्टेंस को अडॉप्ट कर लिया हो, कंपटीशन हो सकता है था इनमें, लेकिन अब साथ साथ चल रही है। और एक बच्चों बहुत क्लियर है सर, ये जो जिगजैग मोशन जब भी दिया जाता है ये एग्जैक्टली प्रे और प्रेडेशन के रिलेशन को शो करता है, ये हमेशा याद रखें आप। इस फॉर्म में ये आपका होता है, ये है कि प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करता है, अब लेकिन वो प्रूडेंट भी है, प्रूडेंट है। अभी जैसा बात करते हैं, अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे बीएल सर ने ये जो बनाया इस पे ध्यान दो आप, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ ओवरलैप करता हुआ हमने दिखाया है, लेकिन ओवरलैप्ड कंडीशन से कोई इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, डेफिनेटली प्रे और जो प्रीडेटर होगा वो साथ साथ चलेगा, मतलब सफिशिएंट अवेलेबिलिटी उसके पास रहेगी। तो इनके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन अगर हम पढ़े हैं तो ये कह रहा है बी प्रीडेट्स ओवर सी एंड देयरफॉर कैन आल्सो प्रीडेट ऑन बी, ये कह रहा है बी प्रीडेट्स ओवर द सी, बी सी पे प्रीडेट कर सकता है, डेफिनेटली सही बात है यहां तक तो। लेकिन आगे कह रहा है and therefore can also predate on A, A पे भी predate करेगा, अगर A पे predate करता ना B तो A ऊपर नहीं जाता, तो definitely statement wrong है, गलत हो गया। फिर कह रहा है B is the competed out by A, B is the competed out by A, सही है, B को बाहर निकाल दिया गया है A के द्वारा, ठीक बात है। आगे पढ़ते हैं सर इसको, लेकिन ये कह रहा है and C, ये यहाँ गलत हो गया, क्योंकि देखो सर ये A और C में तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो compete out तो उसको नहीं किया गया है। फिर कह रहा है बी एंड सी पॉसिबली हैव अ प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप, प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट हो गया है, लास्ट वाला इसको शो कर रहा है बी एंड सी प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप है। लास्ट पढ़ लेते हैं, ए एंड सी एग्जिबिट प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप, ए और सी में ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आंसर थर्ड। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट जैसा सर ने उधर मेंशन किया, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, प्रीडेटर
प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल भी करता है, प्रेडेटर का होना जरूरी भी है, वरना तो प्रे में आपस में इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाए, कारण वो सर्वाइवल नहीं बना पाए। और प्रीडेटर भी प्रूडेंट होता है, वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार नीड के अकॉर्डिंग उस प्रे का दोहन करता है, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि वो भी अगर मोस्ट इफिशियंट हो जाएगा तो प्रे के अति दोहन करने लगेगा, और अति दोहन की इजाजत प्रकृति नहीं देती है। बहुत सीधी बात है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, चेंजिंग इन द पॉपुलेशन साइज इक्वेशन with prolonged exponential phase can be converted into logistic equation by multiplying. बहुत क्लियर है सर, इस पे कई सारे कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए, हम लिखते हैं dn upon dt is equals to rn, और एक इक्वेशन हम लिखते हैं k minus n upon k, और इस पे कई बार चेंज कर करके, उसने जैसे एक बार वैल्यू 1 करके पूछा था कि ये 0 कब हो जाएगा, ठीक है, 17-18 में लगातार इन पे क्वेश्चंस आए हैं भाई। ये आपके दो ग्रोथ के फंक्शन है, dn upon dt equals to rn, ये ज्योमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, लेकिन एनवायरनमेंट का जो रेजिस्टेंस या जैसे अप्लाई किया गया, जो कैरिंग कैपेसिटी का कंट्रोल आता है, तो उस पॉपुलेशन पे कंट्रोल आ जाएगा, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn और k माइनस n अपॉन k। अगर अपन इसको 1/n/k लिख सकते हैं, और ये अगर इकाई हो जाए, यूनिट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 2017 में 18 में लगातार आ रहा है, और देखिए स्टूडेंट इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ा सर बताइए इंपॉर्टेंस इकोलॉजी आपके लिए रखती है, और ऐसे क्वेश्चंस तो 100% आप जानते हर ईयर आ रहा है। तो आप नेक्स्ट आप देखिए सर, तो ये कह रहा है कन्वर्ट किया गया, तो लॉजिस्टिक में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, k माइनस n अपॉन k, अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेफिनेटली, तो ये k माइनस n अपॉन k से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि कैरिंग कैपेसिटी आपने इस पे पुट कर दी, बायोटिक पोटेंशियल पे नेचर का कंट्रोल आ गया, और जो सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो बायोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं। और भी अगर एक लाइन में इसको हम समराइज करें, तो मैं ये कह सकता हूं दिस k माइनस n अपॉन k इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल। एक लाइन याद रखो, कोई कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। तो फाइनल क्या, नेक्स्ट सर 14, द चेंज इन द पॉपुलेशन साइज एट द गिवन टाइम t इंटरवल t रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो वो कह रहा है कि पॉपुलेशन साइज जो है वो गिवन टाइम में एक टाइम इंटरवल में दिया गया, और इसमें कह रहा है इक्वेशन दे रखा है nt इक्वल्स टू n0 b प्लस i c प्लस i। उसमें बी क्या है, डी क्या है, यहाँ बी क्या है, बर्थ रेट है, नेटलिटी है, और इमिग्रेशन आई है, और इसके बाद डी मोर्टलिटी है, डेथ रेट है, और इमाइग्रेशन। आप समझ सकते हैं कि बी प्लस आई इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और डी प्लस ई डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर अपन को इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन नहीं दे रखा है, सीधा इसका मीन ले रखा है रेट ऑफ माइग्रेशन, इसमें दोनों इंक्लूड हो गए, एक ही बात है, नेटलिटी होगी और रेट और मोर्टलिटी रेट होगी। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ये कह रहा है सर दिए गए समीकरण में प्रदर्शित किया गया है, तो उसमें आई बी एंड डी स्टैंड्स रेस्पेक्टिव फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो जैसा सर ने मार्क किया, आई जो है वो यहाँ इमिग्रेशन की वजह माइग्रेशन है, क्योंकि इमिग्रेशन माइग्रेशन का ही टाइप है, और बी जो है वो नेटलिटी बर्थ हो गया, और डी मोर्टलिटी। यहाँ पहले ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो सर, ये देखो रेट ऑफ इमिग्रेशन तो सही दे दिया आई तो, लेकिन यहाँ मोर्टलिटी दे दिया और फिर नेटलिटी, फिर से रॉन्ग हो गया। तो फाइनल रहा रेस्पेक्टिवली, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which of the statement among following is true, कौन सा स्टेटमेंट सही है, the salt concentration 30-35% 1000 gaussian, सही लिखा है सर, करेक्ट है, हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, इनलैंड वाटर का लेस देन 5% होता है, पीपरी पार्ट्स पर 1000, और ओशियन वाटर का 30-35 होता है, एनसीईआरटी का डाटा है। What is the most important factor influencing the distribution of organisms? ये गलत हो जाएगा। देखो, क्योंकि temperature उसके लिए। This one is the influencing factor, definitely influencing होता है, लेकिन ये दिखा है most important। Most relevant आपका temperature होता है। जैसे अपन इक्वेटर से, ये केपीए का क्वेश्चन था कि अगर आप 0° लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर, रेनफॉल और बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होते हैं, और अगर आप पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं तो टेम्परेचर, बायोडायवर्सिटी और रेनफॉल इंक्रीज होता है। टेम्परेचर और रेनफॉल ही किसी एरिया की क्लाइमेट को डिटरमाइन करने का जो सबसे बेस्ट फैक्टर है। तो ये हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई एंड द लॉर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ द थिक वॉल्ड स्पोर्स टू सर्वाइव इन द फेवरेबल कंडीशंस, डेफिनेटली वो इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव किया जा सके। अडैप्टेशन इज मियरली एन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ एन कम्युनिटी, यहां कम्युनिटी मेंशन किया गया, इंडिविजुअल आया है। अडैप्टेशन इज ऑलवेज द एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। तो फाइनल रहा सर, हां आंसर, आंसर यहां पर करेक्ट, आपसे पूछा ट्रू तो ट्रू फर्स्ट ही है, कौन सा सही है। Next, 16, a population is correctly defined having which of the following characteristics?
कौन सा एक करेक्टरिस्टिक है जिसको कौन सा लाक्षणिक गुण है जिसको धारण करते हुए कोई भी एक समष्टि सही परिभाषित की जा सकती है, तो ये कह रहा है इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, डेफिनेटली करेक्ट है, करेक्ट बात स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, डेफिनेटली सेम स्पीसीज के ही होंगे। फिर कह रहा है पॉजिटिंग ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड डिस्पर्जन, जरूरी नहीं कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, कभी डेथ रेट बढ़ सकती है, कभी मोर्टिलिटी बढ़ सकती है, कभी बर्थ रेट बढ़ सकती है, तो ये चेंज होगा। और डिस्पर्जन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से है बेसिकली, ये कई बार होता है सर क्लंप बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, कई बार बहुत छितरी हुई बिखरी हुई होती है, तो डेफिनेटली हम फर्स्ट और सेकंड पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो गया, नेक्स्ट 17 इन बायोटिक अफिनिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव डिवाइस, कौन सा अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसमें प्रे से प्रे अपने आप को प्रीडेटर से बचाने का प्रयास करता है। तो सर पहला कंपटीशन है, कोई मतलब नहीं है इसका क्योंकि दोनों नुकसानदायक स्थिति में होते हैं, सिंबायोसिस में दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मिमिक्री ये हो सकता है, मिमिक्री के आपको बताता हूं कि जैसे जनरली इसमें कैमोफ्लोज दे रखा आपको, तो क्रिप्टिक कलरेशन यानी छिपकर अपने रंग को परिवर्तन करना, जैसे लीफ इंसेक्ट होते हैं तो वो लीफ का कलर ग्रीन होता है और लीफ इंसेक्ट भी अपना कलर ग्रीन कर लेगा तो प्रीडेटर की पहचान में नहीं आएगा, हाइड हो जाएगा वो, आपका एक मतलब हिडन मतलब छुपना है, और क्रिप्टिक कलरेशन छुपके रंग को परिवर्तन करना है, तो वो इसमें आता है मिमिक्री के अंदर। ऑर्गेनिज्म जो मिमिक्री करने वाला है वो मिमिक होगा। ऊपर क्वेश्चन में हमारे से जो पूछा गया है कौन फायदा उठा सकता है, कौन अपने आप को बचा सकता है, तो मिमिक अपने आप को मिमिक्री करके बचा लेगा, एक्टिविटी यहाँ हो जाएगी मिमिक्री। और लास्ट में दे रखा है कॉमन सेल, ये आप जानते हैं जीरो प्लस है, ये आप जानते हैं माइनस माइनस है, सिंबायोसिस डेफिनेटली प्लस प्लस है लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। तो सर आंसर फाइनल किया जाए अनुदान मिमिक्री। नेक्स्ट different type of interactions and the nature of interactions between species A and B are given in the column first and second, तो ये दी गई है, इनको हमें मैच करना है। जैसे interactions वगैरह के बारे में काफी हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले mutualism दिया गया है तो आप जानते हैं mutualism दोनों के लिए लाभदायी है, plus plus है, but आप समझ सकते हैं essential interaction है, strong physical contact है और essential है, plus plus और obligate, तो सर इस पे जा सकते हैं beneficial to both A and B। बिल्कुल। फिर कह रहा है कंपटीशन प्रतिस्पर्धा प्लस माइनस की ढूंढना है, सॉरी कंपटीशन में दोनों माइनस, हां माइनस माइनस हार्मफुल टू ए एंड बी। फिर कह रहा है पैरासाइट्स एक प्लस माइनस, जो पैरासाइट होगा उसको बेनिफिट होगा और होस्ट को जो है वो यहां नुकसान हो जाएगा। प्रीडेशन में भी सर सेम कंडीशन होगी प्लस माइनस, और उसके बाद दे रखा है कॉमन सेल, बार-बार हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीजों को, ये होगा 0 एंड प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे लोग आप कर लें, थोड़ा सा तुम भी करोगे ना यार कुछ, बिल्कुल सही है, तो थोड़ा सा आप मैच कर लें जो कंडीशंस है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और वैसे आपको सब पता है ये सब चीजें खूब हम क्लासरूम्स में डिस्कस करते रहते हैं। तो आगे बढ़े सर, नेक्स्ट 19 द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, जैसे ए कम्युनिटी को ये है और बी कम्युनिटीज को ओवरलैप कर रही है, तो ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है, ऐसा कुछ हमारे से पूछा गया है। वो इकोटोन हो गया, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि भी कहीं पर अगर एक्वेटिक हैबिटेट है, ऐसा तो है नहीं कि एक्वेटिक हैबिटेट से डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट स्टार्ट हो गया, जो भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का जो ट्रांजिशन होगा लिटोरल जोन जिसको अपन कहते हैं, तो वो आपके जोन क्या होगा इकोटोन होगा। और ये बेसिकली है कि भी ये हैबिटेट ए और बी दोनों से मोर डायवर्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यहाँ की बायोडायवर्सिटी इन दोनों से ज्यादा होगी क्योंकि ये दोनों टाइप के एनवायरमेंट प्रेजेंट है, तो ये आपके होते हैं इकोटोन, ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ होती है। और जैसा सर अभी कह रहे हैं एक तरफ जैसे समुद्र की लहरें हैं एक्वेटिक हैबिटेट है, तो दूसरी तरफ लहराते वन हो सकते हैं, ऑब्वियस है ये दोनों जहां मिलेंगे वहां ट्रांजिशन हो रहा है। तो सर इनको एक्सप्लेन ही करते हैं, जो है कीस्टोन कहा जाता है, देखिए कीस्टोन वो है जो किसी भी इकोसिस्टम को अल्टीमेटली रेगुलेट कर सकता है, कीस्टोन स्पीसीज बेसिकली जो है वो ये होते हैं टॉप कंज्यूमर्स किसी भी इकोसिस्टम में, लेकिन उसके अलावा भी कीस्टोन हो सकता है, व्हिच वन अफेक्ट मोस्ट इस पर डिपेंड करता है। वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी पड़ा होगा कि अपन वहां पर जो जनरली काउंट करना एक सबसे अप्रोप्राइट मेथड है, उचित तरीका है, लेकिन बरगद और जो बनियान ट्री होता है और जो पार्थिनियम उसके अमाउंट के बेसिस पर वहाँ वो पैरामीटर यूज ही नहीं करते हैं, वहाँ पर हम पैरामीटर यूज करते हैं परसेंटेज कवर और बायोमास। क्यों? अब ये बरगद है सर, बनियान है, जो सर उस पर बताना चाह रहे हैं वो ये बात है कि जो बनियान ट्री है इस बनियान ट्री ने अपने आप में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, इसके बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं, इस पे बहुत सारे इंसेक्ट सर्वाइव कर रहे हैं, बर्ड सर्वाइव कर रहे हैं। अब बताओ वहाँ इंसेक्ट्स और बर्ड्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बनियान ट्री का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसको हटा दो आप इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। की स्टोन है, आप समझ सकते हैं उस समय ये फ्रूट और सीड प्रोवाइड कराता जब अदर प्लांट नहीं करते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट में जो बर्ड है वो इन पे डिपेंडेड होते हैं। तो
इनके डिपेंडेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस इकोसिस्टम में, इस जो वृक्ष पारितंत्र है बेनियन ट्री का, इसमें ऊपर के पोस्ट स्तर के जीव इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण कौन है, बेनियन। तो डेफिनेटली ये भी कीस्टोन हो सकता है। फिर एज इफेक्ट कहा गया सर, एज इफेक्ट अपन बात कर रहे हैं कि देखो ये जैसे यहाँ पर अपन अगर किसी झील का जो लेक है उसका अपन स्ट्रेटिफिकेशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटोरल जोन होगा, फिर लेमेंटिक होगा। तो यहाँ लिटोरल जोन पर जो मतलब रूटेड वेजिटेशन होगी तो उसको आप क्या कहते हैं, इसको मतलब बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल का है और ये एक्वेटिक का, तो ये एज इफेक्ट कहा जाता है। और एज स्पीसीज वो होंगी जो यहाँ प्रेजेंट होगी। तो सारे ऑप्शन आपके सामने क्लियर है सर, आंसर फाइनल किया जाए फर्स्ट इक्वाडोर। नेक्स्ट 20, which of the following may be a basic fundamental benefit to become a regulator organism? Regulator organism होने के लिए basic fundamental क्या है, किसकी जरूरत होनी चाहिए? Maximum cellular efficiency, ये तो अपने आप ही हो जाएगी अगर वो organism regulator है तो, ठीक है? आपसे पूछा गया इसमें basic, इसी पे focus करना है बच्चों। Maximum cellular efficiency, फिर कह रहा है minimum geographical distribution, नहीं अगर regulator हुआ तो ये maximum होगा, ये completely incorrect है। फिर कह रहा है मिनिमम प्रोडक्टिविटी, नहीं ये भी बढ़नी चाहिए। फिर कह रहा है मैक्सिमम फीडिंग एफिशिएंसी, जरूरी नहीं है फीडिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो तो ये भी इनकरेक्ट है। भाई सेलुलर एफिशिएंसी है कि किसी भी को भी रेगुलेट होने के लिए बहुत सारी एनर्जी वहां पर लगानी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वहां यूज करना होता है, तभी तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, छोटे आकार के जो पक्षी है जैसे हमिंग बर्ड है या जो भी अपन बात करें कि सुरूज है, छछुंदर है, जो भी मैमल्स है छोटे आकार के, वो पोलर एरिया में इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो इतना सारा एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते कि उनका साइज छोटा होने सरफेस एरिया कंपैरिजन टू वॉल्यूम ज्यादा है और वो एनर्जी लॉस कर चुके हैं। एक स्टेटमेंट बच्चे याद रखें, हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी ने लिखा, उसी के अकॉर्डिंग सर डिस्कस आपसे कर रहे थे। तो देखिए कौन सा नियामक जीव होने के लिए एक आधारभूत लाभ होगा, लाभ यही होगा कि उसकी सेलुलर एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है सर, फाइनलाइज किया जाए। नेक्स्ट, regional and local variations within each biome lead the formation of new habitat. ये भी NCERT का statement है, जहाँ आपके biome दे रखे हैं वहाँ NCERT का statement भी लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक जीवों में क्षेत्रीय स्थानिक विविधताएं नए आवास को बढ़ावा देती हैं, क्यों? तो variation are concerned with physical surrounding of organism. Definitely. और change in one abiotic factor lead the change in other. ये भी सही बात है। और soil composition within biome is uniform. Soil, possible नहीं है। Soil composition जो है वो बायोम में किसी में यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, चेंज होता रहेगा उसमें। तो इसमें आपका जो सबसे पहले वेरिएशन का कंसर्न है फिजिकल सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विभिन्नताएं जो कि भौतिक परिवेश से संबंधित होती हैं। ये होती है भौतिक परिवेश से संबंधित है, लेकिन भौतिक परिवेश के साथ साथ बायोटिक इंटरेक्शन भी है। अब जो पूछा गया आपसे कि रीजनल और लोकल वेरिएशन हर एक बायोम में जो है वो नई हैबिटेट बना देती है, नई हैबिटेट बना क्यों देती है? तो वो कहेगा वेरिएशन कंसर्न विद द फिजिकल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करेगा उसके आसपास की वेरिएशंस को लेके। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल मैं बताऊं नॉर्थ इंडिया है। अब नॉर्थ इंडिया में सर कई सारे स्टेट्स हो सकते हैं, आप टॉप जे एंड के से लेकर हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, तो खैर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में चला गया, इस तरीके से दिल्ली हुआ, ये सब उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका हुआ, हालांकि वो पूर्व उत्तर की तरफ चला जाता है। तो ये जो पूरा रीजन है, तो आप यहाँ देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है, जबकि बायोम की रेंज इतनी बड़ी ही होती है, कम से कम इतना बायोम तो होता ही है, लार्जर जियोग्राफिकल रीजन होते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ की जो लोकल वेरिएशन है वो लोकल वेरिएशन और रीजनल वेरिएशन मिलकर नए हैबिटेट बनाते हैं, तो हमें इसको रेफर करना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि एक बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में चेंज होगा तो वो दूसरे में भी चेंज लीड करवा देगा, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल हैबिटेट के बारे में ही हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फाइनलाइज किया जाए, आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 22, इन अबाउट डायग्राम व्हिच मार्क रिप्रेजेंट द बायोम विद फॉलोइंग फीचर। जैसे टॉल ट्री दे रखा है हमें सर, निडल लाइक लीव्स दे रखा है, थिक क्यूटिकल दे रखा है, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड स्नोफॉल। तो ये जहां तक मैं समझ रहा हूं सर, टेम्परेट के कुछ कैरेक्टर्स यहां बता रहे हैं, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल डेसिड्यूस हो जाएगा, फिर आप जानते हो टेम्परेट डेसिड्यूस हो जाएगा, फिर कॉनिफर्स हो जाएगा, एंड देन आप जानते हैं नॉर्थ पोल आपका हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन है, जीरो से जो आपका अपर मोस्ट लैटिट्यूड है नॉर्थ पोल। हाँ, और यहाँ दे रखा है बेटा देखो कि टॉल ट्री निडल लीव्स थिक क्यूटिकल ऑन लीव्स, तो जैसे आप कॉनिफर्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर यहाँ पर दे रखे हैं। ये बायोडायवर्सिटी में भी कुछ चीजें हैं, इसके अलावा आपको जो डायवर्सिटी में जहाँ दे रखा है ना, पहले प्लांट डायवर्सिटी जहाँ शुरू में दे रखा है चैप्टर थर्ड में प्लांट किंगडम में, वहां भी ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जिम्नोस्पर्म्स में लिखे हैं, तो आपके लिए दोनों ही काम। हो गया ओनली ई। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ से आपको लेकर 0 डिग्री ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट है, ये टेम्परेट है और ये कॉनिफर्स है,
और एक ग्रासलैंड और डेजर्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। आप समझते हैं ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी हो सकते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड भी हो सकते हैं, जैसे सवाना है और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बहुत सीधा तरीका है इसको समझने का बता दूं, आप इधर रेनफॉल पे आ जाए जहां मैक्सिमम रेनफॉल दिखाई दे रहा है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं इसके साथ। देखिए इतना बड़ा गैप है तो ये ट्रॉपिकल ही होगा। इसके बाद जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो लेस आपको प्रेसिपिटेशन वाले दिखाई देंगे। तो सर फाइनल आंसर हो गया 4। नेक्स्ट 23, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन मींस, किसी एक पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है। कैरिंग कैपेसिटी जो उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एक तरीके से फ्रीडम देती हो, एक तरीके से सर्वाइव करने का पोटेंशियल उसको देती हो। तो ऑप्शंस पढ़े जाएं, द रेट एट व्हिच द डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज ऑल टाइम, वेदर जिस पर वेस्टियों घनत्व समय के साथ बढ़ता है, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल व्हिच कैन बी सपोर्टेड इन ए गिवन एनवायरनमेंट। सीधा एनसीईआरटी का लाइन है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कोई भी एक हैबिटेट है वो किसी एक इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को कितना बियर कर सकता है, कितना धारण कर सकता है, कितने उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। और वरना तो आप जानते हो कि फिर आपका स्टेशनरी फेज उसमें आ जाएगा। तो आपने जो सिग्मोइड कर्व आपने स्टडी किया है कि लैग लॉग और आप जानते हैं स्टेशनरी, जिसमें पॉजिटिव असर असर नेगेटिव और ये स्टेशनरी, तो ये स्पेशली हम इसका क्वेश्चन है। यहाँ ए पॉइंट आया था, पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय ए, तो ये क्या है कैरिंग कैपेसिटी, यानी इससे फर्दर ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपका था मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which can be supported in a given environment. That is the दो काम की बातें हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसा सर एक्सप्लेन कर रहे थे, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब हाई आरबी, जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ गया और उसको सपोर्ट भी कर रहा है, वो कह रहा है that is supported by the environment। तो आप तो सीधा याद रखो फंडा यही है कि आर मैक्सिमम हो और उसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब अभी तक कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन आर जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर जाएगा, ग्राफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। Clear? तो इसी तरीके से हम फाइनल आंसर पे जा सकते हैं, लेकिन दो स्टेटमेंट और है हमारे पास, पढ़ लेते हैं। The proportion of the individuals which are most responsible for population growth, population growth के लिए most responsible, तो यहां सिर्फ R की बात की गई है, carrying capacity की बात नहीं की गई है। The minimum number of the individual, देखिए minimum होते ही ये गलत हो गया, और avoid extinction avoid कर रहा है, extinction avoid करना या necessary to avoid extinction उसके लिए possible नहीं है, वो conditions पे depend करता है। तो हमारे पास final answer हुआ सर second। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, इन ए पॉन्ड गार्डन देयर इज 400 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड टेकन थ्रू आउट रिप्रोडक्शन, सॉरी 100 न्यू प्लांट्स आर एडेड। तो 400 इनिशियल नंबर दे रखा है पहले से थे और 100 उस पे ऐड कर दिए गए, और अब वो कह रहा है कि टोटल नंबर आपके पास 500 आ गया, एक साल में 100 बढ़े। बिल्कुल, तो जैसा कितने पे बढ़े, हाँ पर कैपिटा सर, इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड है पर कैपिटा। तो आपको पर कैपिटा बर्थ यहाँ देखनी है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप तो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप लोग करते होंगे, जहां तक हम सोचते हैं हम बायोलॉजी के लोग हैं। 400 100 बढ़ गए, तो मैं जहां तक कह रहा हूँ 25% यहाँ इंक्रीज आ गया है, क्या हो जाएगा पर कैपिटा पे अगर हम देखें तो यहाँ 0.25। ठीक है, आगे डिस्कस करने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें पर कैपिटा ही डिस्कस किया जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में मैं फिर आपको कह दूं, ह्यूमन सेंसस ये जैसे भारत की जनगणना जनसंख्या ऐसे वर्ड्स आपने सुने, तो वहां पर 1000 दिया जाता है। उस पर 1000 को आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको रेट अगर आपसे पूछा जाए तो पर कैपिटा, पर कैपिटा बर्थ है वो नेटलिटी है, और पर कैपिटा डेथ मोर्टलिटी। और इसमें भी अगर आपसे पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाए, तो आप सेपरेट निकालोगे बर्थ रेट, सेपरेट डेथ रेट, उसके बाद बी माइनस डी आप करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 25, एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अप्रोचेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, which of the following is predicted by the sigmoid growth curve? Sigmoid growth curve अभी सब discuss कर रहे थे, कई बार आपसे बात कर ली गई है, ये हो गया है। अब इसमें से पूछना आपसे ये चाह रहा है कि जो व्यस्टियों की संख्या समष्टि की वहन क्षमता तक जैसे ही पहुंचती है, जैसे नंबर का मान लो हमने ग्राफ ले लिया और ये समष्टि की वहन क्षमता तक पहुंच गई, तो वो कह रहा है निम्न में से किसके सिग्मॉइड वृद्धि वक्र प्राप्त होने की संभावना है। पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपोनेंशियली मतलब ही नहीं है, गलत हो गया। पॉपुलेशन का रेट विल बी इंक्रीज पॉसिबली नहीं है और डिक्रीज भी नहीं होगा, तो क्या होगा रिमेन द सेम, क्योंकि यहाँ पर बी और डी इक्वल हो जाएंगे, तो आर क्या हो जाएगा जीरो। बी और डी इक्वल हो गए तो आर क्या हो गया जीरो। डेफिनेटली जितना बढ़ सकता था वो बढ़ चुका है। तो इस केस में उसके पास रिसोर्सेज जो है उनकी अनअवेलेबिलिटी है। बी और डी के इक्वल होने का स्टेट जरूरी नहीं है हर एक पॉपुलेशन में दिखे, लेकिन ये हो सकता है। तो यहां आप ये मान के चलिए कि सिग्मोइड कर्व आ गया, इसका मतलब है दैट पॉपुलेशन इज नॉट मच और मोर सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सीधा ये है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो है वो क्या होगा रिमेन सेम।
Next, 26. The growth speed of a population can often be described with the logistic growth equation. Dn upon dt is equals to rn k minus n upon k. ये हमें दे रखा है. In this equation, n is the number of individuals, r is the intrinsic relative relative rate, and k is the carrying capacity. सारा हमें लिख के दे दिया क्वेश्चन में. According to this equation, the equilibrium number of individuals in the population is determined by. भाई जो भी आप जानते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम पे आएगा तो कौन के उसको डिपेंड करेगा. भाई आप समझ सकते हैं के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड वो ही कर सकता है. आप सीधा ये समझिए, इस के ने ही जो है वो इस आर को डिसाइड किया है. बिल्कुल. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो सकता है, कितनी बर्थ हो सकती है, कितना बढ़ सकता है, वो सब ये डिसाइड करेगा. जो पूरा आर पे जो इंपैक्ट है, इफेक्ट है, वो के का ही है. ये टोटल द सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल जो बायोटिक पोटेंशियल पे कंट्रोल करता है, या और द बायोटिक पोटेंशियल संडे एक लाइन बोले तो करेक्ट आपका क्या होगा, सेकंड होगा. ठीक है, नेक्स्ट करें सर. 27. Which graph shows the decline population as per reproductive age? देखो reproductive age लिखा है तो आप जानते हैं हमारे पास तीन form होते हैं, pre-reproductive, reproductive, post-reproductive और post-reproductive. एक ही आपको दिमाग लगाना है कि base यानी pre-reproductive अगर maximum है, pre-reproductive, और फिर आपके reproductive और then post-reproductive, तो आप समझते हैं कि triangle shape हो गया है, expanding population को show कर रहा है. जैसे इसमें show हो रहा है. बिल्कुल expanding है वो. इसमें भी हो रहा है. इसमें भी शो हो रहा है. बिल्कुल. अब ये दो हैं आपके पास, और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाए तो गारंटेड हुआ है कि भाई डिक्लाइनिंग जाएगा वो, क्योंकि आपको तीन सेप आप बताए गए, ट्रायंगल सेप, एक्सपेंडिंग, दूसरा आपका है कि जैसे इस फॉर्म में जा रहा है कि यहाँ ये दो इक्वल है तो ये स्टेबल है, और ये डिक्लाइनिंग है, ये डिक्लाइनिंग स्टेज है. तो इसमें आप समझ सकते हैं कि भाई इससे और मोर इफेक्टिव ये हो गया. तीन और चार को आपको ऑब्जर्व करना है बच्चों. ये देखो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ये ग्राफ तरह प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम बता दिया, फिर रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो ये पॉपुलेशन के लिए दिया गया आप जानते हैं, और आप समझ रहे हैं कि इसका जो है वो अर्न सेप हो गया. अर्न सेप होते ही आप समझ सकते हैं कि वो क्या हो गया, डिक्लाइनिंग. तो ट्रायंगल सेप एक्सपेंडिंग, बेल सेप स्टेबल, और अर्न सेप जो क्लस के आकार का होता है वो डिक्लाइनिंग को शो करता है. 500 बेसिक लॉजिक है आपके पास. प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम थे लेकिन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर अभी काफी ज्यादा है, ब्रॉड है. बेस तो कम था तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में तो डिक्लाइन में जाएगी, लेकिन अगर इंस्टेंट स्टेटस पॉपुलेशन का मैं देखूं तो डेफिनेटली ये बढ़ा सकता है. ठीक है, ये बढ़ा सकता है क्योंकि इसके पास रिप्रोडक्टिव ज्यादा है. इधर अगर आप देखें तो रिप्रोडक्टिव का बेस भी कम है, प्री रिप्रोडक्टिव पहले से ही कम दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है डिक्लाइन इसके कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा होगा. ठीक है, सो फाइनल आंसर सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Organisms are adapted to their environment to optimize their reproductive capabilities and maximize the survival. ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल मैक्सिमाइज करना चाहती है और अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को जो है वो ऑप्टिमाइज करना चाहती है. तो देखिए अल्टीमेटली ये आर बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए हर तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करने का एफर्ट करेगी. सर पहला ऑप्शन पढ़ूं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म विल मैक्सिमम इफ दे आर एडेप्टेड. अगर वो एडेप्टेड है तो आर विल उनका मैक्सिमम होगा. आर हाई होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. फिर कह रहा है मैक्सिमम बायोटिक इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस इफ ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइविंग अंडर लिमिटेड एबिलिटी ऑफ सोर्सेस. डेफिनेटली इंटरेक्शंस मैक्सिमम होंगे, इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, और ये जो इंटरेक्शंस हैं ये इंटरेक्शंस उस ऑर्गेनिज्म को अपने आप में उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की ज्यादा कैपेबिलिटी देंगे. सो दैट विल बी द फिट, दैट विल बी द फिटेस्ट. उसके बाद कह रहा है ऑर्गेनिज्म कॉप विद द फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स. ऑब्वियस है फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स में वही एनवायरमेंटल फैक्टर सारे आते हैं, सराउंडिंग के फैक्टर हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगी और इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, वो कोप करेगी, जिससे उसका सर्वाइवल बेटर हो. तो ए बी सी यानी ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा. जैसा सर कह रहे हैं, जहां तक हम समझते हैं कि ये तीनों एक्टिविटीज अगर कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करती है, ऐसा करती है, तो वो अपने आप को ज्यादा अच्छा सर्वाइवल अपना मेंटेन कर सकती है, अपना सर्वाइवल मैक्सिमाइज कर सकती है, और अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑप्टिमाइज कर सकती है. तो ये फाइनल आंसर रहा all of these. Fourth, 29. Some desert beetles can survive on the metabolic water without ever drinking liquid water. ये क्वेश्चन कई जगह मिलेगा आपको, अच्छे लेवल का है कि मेटाबॉलिक वाटर. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बायोलॉजी ओलंपियाड में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मेटाबॉलिक वाटर आपको पता होना चाहिए बच्चों. रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो वाटर रिलीज होता है उसको आप मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं. जब वो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करता है, फिर पाइरूवेट का आगे मेटाबॉलिज्म करता है, तो मेटाबॉलिक वाटर जनरेट करता है, उसी को यूज कर लेता है कंगारू रैट भी. मोस्ट ऑफ बीटल्स में ये होगा. ठीक है, तो ये कह रहा है वाटर इन द ऑर्गेनिज्म दे ईट, गलत बात है. वाटर इन द एयर, गलत बात हो गया.
ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पाइरूवेट, देखो ये लिखा बहुत परफेक्ट, पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन हुआ फर्दर, तो उसको ऑक्सीडेशन से H2O जो रिलीज किया गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप डिटेल पढ़ते हैं, ETS में पढ़ा होगा ना आपने, सबसे लास्ट में जाके जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है वहां जाके ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन वहां पे होता है, हां अल्टीमेटली वाटर बना देती है। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, ये नहीं होगा, ये इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है आप जानते हैं, तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट, थिक क्यूटिकल्स अकन स्टोमेटा एंड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव एट द टाइम ऑफ नाइट एक्टिव जो रहेंगे, कैम फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइंस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये किसके हो सकते हैं, देखिए डेजर्ट में ये प्लांट हो सकता है, जीरोफाइट ये हो सकते हैं। अब दो बातें हैं आपके पास, वैसे तो सर इनको अगर एक वर्ड में मैं लिखूं फिजियोलॉजी से भी कोरिलेट करता है ये सक्यूलेंट जीरोफाइट्स, कुछ हेलोफाइट्स भी हो सकते हैं, हेलो भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं, मासल मरुद्विद बादल है। अब हमारे पास ये डेजर्ट प्लांट दे रखा है और जीरोफाइट दे रखा, तो ऑब्वियस दोनों रेलिवेंट है, हाइड्रोफाइट्स जो है उसका यहाँ रिलेशन नहीं है कोई भी, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा मोर देन। तो ये बच्चों ध्यान रखें, आप इस क्वेश्चन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लें, कैम प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मिल रहे हैं, तो एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो देखिए ये था इकोलॉजी का एपिसोड फर्स्ट, मैंने सर ने हमने मिलकर कोशिश की है कि हर एक ऑप्शन आपको क्लियर किया जाए। मैं जहां तक समझता हूं हमारा प्रयास आपके लिए फलीभूत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पेंडेमिक के टाइम में अपने आप को कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए अपने टारगेट को अचीव करने का सोचें, हर एक बात गौर से पढ़ें, इस खराब टाइम को अपॉर्चुनिटी बनाकर आप काम करें, आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे सर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल, ये चैप्टर आपका 13 था ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, और वहां से आप देखते हैं कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से एक फिर क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इकोसिस्टम इसके भी ले लेंगे, इसके भी ले लेंगे, और इकोसिस्टम हमारे पास 6 एपिसोड में आपको बता दूं बच्चों, 6 एपिसोड सर अपने पास इकोलॉजी के हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें इसमें क्लियर हो आपको। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये बायोटिक इंटरेक्शन, सर ये जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हम दोनों के बीच जो हो रहा है, बायोटिक भी कह सकता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, तो ये जो हो रहा है इसके बाद डेफिनेटली आपको NCERT की हर एक बात क्लियर होगी, ये हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप CLC लाइव से जुड़ें और अच्छी क्वालिटी की क्लासेस का आनंद लें। थैंक यू।